तो आ गए आप। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सुबह हो चुके हैं हमारी जुड़ा के तालाब पे और उठ चुके हैं हम आगे इस सफर के लिए। नींद का मत पूछना, ठीक है? बहुत ही थोड़ी अजीब सी रही, चार लोगों के बीच में टेंट में, तो जगह कम पड़ रही थी और मैं थोड़ा लंबा हूँ तो पैर भी छोटे पड़ रहे थे। पर हाँ, सुबह उठने के बाद सब पूरा हो गया। ठीक है, देखो ये हमें व्यू देखने को मिला सुबह से। अभी पास लेके जाएंगे, पीछे आपको ये दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ये सारा जुड़े का तालाब है। ठीक है, पर अभी फोकस मैं अपने पे रखता हूँ। ठीक है, और ये पीछे हमारा टेंट है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का, यहीं पे हम सो रहे थे। ठीक है, एंड ये हमारे गाइड विपिन भाई जा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे एक कुत्ता था, गायब हो गया, वो उधर जा रहा है। और यहाँ पे हमारा एक छोटा सा साथी है, वो ऊपर जा रहा है चलता हुआ। ठीक है, तो उससे भी मिलना है हमें, और वो अपनी ही धुन में रहता है भैया, इधर से उधर निकलता रहता है। तो अभी देखते हैं, शायद लौटते में हमें मिल जाए। अभी हम जा रहे हैं तालाब की तरफ, वहां पे जाके आपको व्यू दिखाएंगे तालाब का अच्छे से, पास में खड़े होके, और फिर हम फोटो वोटो भी खींचेंगे। ओए हीरो, देख गाइस हमें मिल गया ये हीरो, भागे जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ओए भाई, वो अपनी धुन का है। ठीक है, जितने भी कुत्ते देखे मैंने, नॉर्मली वो आते हैं मिलने के लिए रेडी रहते हैं, पर ये भाई जान अपने ही लगे पड़े, देखो भाग रहे हैं यहाँ से दूर, अलग ही लग रहे हैं। ओ हीरो बाबू, ओ मेरे शेर। ठीक है, यहाँ का पालतू कुत्ता है ये। ठीक है, जहाँ उधर खाने के लिए हम रुकते हैं ना, वहां पर यहाँ पे बंदा होता है, पट्टा भी डला है इसके। ठीक है, पर भाई ये थोड़ा सा ना खबरी, अभी पता नहीं इसने क्या देख लिया, भूखे जा रहा है उधर की तरफ देख के, तो कोई दिख गया है, भाग रहा है भाई, ये नहीं रुकने वाला। तो इसको तब मिलेंगे हम जब ये बंदा होगा दुकान पे, तब फिर हम इससे बातें करेंगे, अभी तो ये रुक नहीं रहा। अभी पता नहीं अपने आप ही मेरे पास आ गया था और अभी आने का नाम नहीं ले रहा। नहीं यार भैया, नहीं सुनने वाला, बड़ा जिद्दी है, अपनी मानता भैया वो और किसी की। तो मैं काफी पहुंच गया था पास में तालाब के, पर ये दिख गया तो फिर मैं इसके पीछे पीछे भाग गया। अलग ही नशे भाई इसके भी। तो अब हम दिखाते हैं आपको जूड़ा का तालाब। देखो ये है तालाब इधर की तरफ, और इसको मैं दिखाता हूँ, ये तालाब इस तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे आपको पानी दिखेगा, थोड़ा सा बस इधर ही दिखेगा जो पानी है, आई थिंक इधर की तरफ, नहीं सॉरी इधर की तरफ, यहाँ पे पानी है, हमने छू के भी नहीं देखा उस पानी को। मैं भी अभी आगे ट्रैक के लिए बढ़ेंगे तो एक बार मुंह धोने की कोशिश करेंगे उससे, लेकिन अभी हमने नहीं देखा है उसे। और ये देखिए, यहाँ पानी था और यहाँ से जमना शुरू हुआ, और ये जमता जमता आगे इतनी जम गया कि पूरी आपको स्नो तक दिखेगी उसके ऊपर। ठीक है, स्नो से भी जमता है, आसपास का ठंडा टेम्परेचर उससे भी जमता है, तो ये पूरा का पूरा जमा पड़ा है जुड़ा का तालाब। और पीछे के, जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे का ज्यादा व्यू नहीं दिख रहा है, ऊपर के पीछे माउंटेन्स हैं लेकिन वो फोकस में नहीं आ रहे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का हिस्सा। ठीक है, आप देख सकते हैं उस साइड के पहाड़। ठीक है, वो पीछे बर्फ के पहाड़, हमारे सामने भी बर्फ है, और ये है जुड़ा का तालाब जो कि जमा पड़ा है। ठीक है, और अभी हमने बर्फ के आसपास कोई ज्यादा फोटो नहीं खिंचवाई है, तो अभी मैं अपने पकड़ूंगा दोस्तों को जो भी जिनके साथ आया हूँ, और उनके साथ यहाँ पे खिंचवाऊंगा फोटोज बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आगे की तरफ और भी सॉफ्ट स्नो है, ये जैसे कि आप पीछे की तरफ देख रहे हो, ये सारी सॉफ्ट स्नो है। ठीक है, और ये एक बार हम देख रहे हैं जुड़ा का तालाब बिल्कुल पास से। ठीक है, ये ट्राइपॉड अभी मैंने जुड़ा के तालाब के ऊपर ही रखा हुआ है, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये है जमा हुआ बर्फ यहाँ पे। ठीक है, पूरा जमा हुआ है, मैं इस पे जूते रखे तो अभी नहीं देख रहा, पहले कोई हम लकड़ी की चीज से इसको तोड़ के देखेंगे या कोशिश करेंगे कि क्या असर हो रहा है, यहाँ तो लकड़ी भी नहीं दिख रही है, तो आई थिंक हमें डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक पैर मैंने अपना जमा लिया है इधर की तरफ, इधर देख सकते हैं, दूसरा पैर मैं इस पर रखने वाला हूँ चेक करने के लिए। ओके, ये क्रैक हो रही है, आप देख सकते हो,
ओ भाई, तो ये जमा हुआ है इधर की तरफ से, शायद उतना सॉलिड नहीं होगा पर आगे ज्यादा जमा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये क्रैक हो गया, मतलब इस पे चलने की गलती आप सोच समझ कर ही करें, और ऐसे चेक तो एटलीस्ट कर ही ले, ठीक है। चलिए आगे, अभी के लिए यहीं पे हैं, ठीक है। यही है जो किदान अपना जुड़ा का तालाब है, और बाकी का जो एक्साइटिंग पार्ट हो रहा है वो पीछे हो रहा है जहाँ पे कैंप लगे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक बार जाके देखेंगे, और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तो वहाँ अपने कुत्ते से मिलेंगे जो अपने अलग नखरे दिखा रहा है। और अभी हम आगे बढ़ेंगे केदारनाथ बेस कैंप के लिए, जिसका रास्ता जाता है इस तरफ से, ठीक है। और लाइक जहाँ पे पानी दिख रहा है एक्चुअली में, उसके आगे उधर से रास्ता जाता है केदारनाथ बेस कैंप का। तो हम बढ़ेंगे अभी लाइक आधे एक घंटा डेढ़ घंटे में, जितना भी टाइम लगता है, और वो 2.5 किलोमीटर के आसपास का होगा ऐसे तो। लेकिन हम उस पर चल के जाएंगे तो काफी, वैसे ही जैसे हम कल 5 से 6 घंटे में पहुंचे थे जुड़े का तालाब, तो आज का टारगेट 4 से 5 घंटे में। लेकिन आगे थोड़ा सा और फिसलन और बर्फ वाला रास्ता होगा, तो देख के चलेंगे कैसे चल जा पाएंगे। अब यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है, ठीक है, लाइक जितना लग रहा था डर, उतनी ठंड यहाँ पे तो नहीं है, पर ऊपर जरूर मिलेगी। और फिर आगे सबमिट का तो देखते हैं क्या है। बस समिट में एक करने में एक फायदा होगा कि हम कैंप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, मतलब कैंप में हम अपने बैग वैग रख देंगे और बिना बैग के हम आगे जाएंगे समिट के लिए। तो उसका थोड़ा सा फायदा होगा, पर उतनी ही हार्श कंडीशंस मिलेंगी हमें बर्फ के उसमें, और ठंड जो होगी वहां पे उसकी वजह से, ठीक है। तो चलेंगे आगे के लिए और देखेंगे, उससे पहले अभी हम ब्रेकफास्ट और ये सब करेंगे, तो देखते हैं वहां पे चल के क्या चल रहा है, कैसा रहता है खाना और कैसा रहता है दिन आज का। सो गाइस, ये देख रहे हो, समझ रहे हो, ये हमारी सॉफ्ट स्नो होनी चाहिए, आई मीन लेट्स सी कितनी सॉफ्ट है। ओके, इतनी भी सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, कुछ इस टाइप की स्नो है यहाँ पे भी, तो उतनी सॉफ्ट नहीं है, ये भी पहले की पड़ी हुई है ये भी। और तो आई थिंक सॉफ्ट स्नो हमें मतलब लाइक जितनी फ्रेश होगी उतनी ही हमें सॉफ्ट मिलेगी, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रही, ये सब जमी पड़ी है, ठीक है। पर स्नो है, आइस है, जो भी है यही है अभी जो हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ थोड़ी फिसलन है, वो देख के चलना पड़ेगा। इस पास से अभी हम जा रहे हैं, ये देखिए, और आगे जाना है इसी पे, उधर जाएंगे हम और देखेंगे थोड़ी फोटो वोटो खींच सके। सो लेट्स गो। तो आ गए गाइस हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से आपको पूरा का पूरा जुड़ा का तालाब दिख रहा है, सारा जुड़ा का तालाब है। और ये देखिए, हाँ, बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो लाइक आई डोंट थिंक सो कि ये खेलने लायक बर्फ है, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है, बट जो पहली बार आते हैं, जो पहली बार स्नो देखते हैं और आइस देखते हैं, वो लोग इसमें भी खेल लेते हैं। इवन मुझे याद है जैसे मैं गुलमर्ग गया था, तो वहाँ पे भी काफी टाइम के पड़ी हुई बर्फ थी और हम लोग उसी में खेले थे, इन्जॉय किया था। एंड उससे तो ये काफी अच्छी खासी बर्फ है, और लाइक लिटरली आप अगर मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये देखिए, इस बर्फ ये सॉफ्ट भी है। सो अभी तक की जितनी बर्फ छुई मैंने, उसमें सबसे सॉफ्ट बर्फ है, ठीक है, सॉफ्ट स्नो आई मीन। सो आई थिंक ऐसी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो और सॉफ्ट स्नो मिलेगी, लेकिन ये नहीं है कि फ्रेश है, ये पड़ी हुई है लाइक आई थिंक 8-10-12 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, सो तब की है। पर ये होता क्या है, ज्यादा स्नोफॉल होती है काफी ज्यादा, तो ऊपर रह जाती है जो बर्फ वो स्नो सॉफ्ट रहती है, और जो नीचे हो जाती है या कुछ चलता रहता है तो वो हार्ड हो जाती है धीरे धीरे। सो ये सीन है। एंड खेल सकते हैं लोग स्नो से, आई थिंक ये जितने भी लोग आए ना इधर कैंप पे और जितने भी आए होंगे, ये लोग खेले होंगे कल। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मिट्टी के निशान है, सब लोग यहाँ पे आके फोटो भी खिंचवाए, हम भी चले गए अभी यहाँ तक आए। सो यही सीन है, और थोड़ी सी सोच रहा था वही फोटो वोटो खींचने का। और ये देखिए गाइस, है ना कमाल का मजा ही आ गया, लाइक हाथ जम रहे हैं, पर जो मजा आ रहा है ना स्नो को टच करने का, वो अलग ही लेवल का है, ठीक है, लाइक ऑसम इनटू 100, ठीक है। सो ये सीन है, ये हाथ पे बर्फ लगी हुई है, जम रहे हैं हाथ बुरी तरह, ठीक है। और अभी एक दो फोटो खींचेंगे हम यहाँ से और देखेंगे, ट्राइपॉड से खींच लेंगे बैठ के, ताकि अच्छा से व्यू आए बर्फ के आसपास का, और फिर आगे हम चलते हैं, आपको कैंप दिखाएंगे जो और आसपास कैंप लगे हुए हैं। नीचे एक्चुअली जुड़ा का तालाब का एक और कैंपिंग साइट है, जहाँ पे लोग कैंप लगा के बैठते हैं, जो खासकर कंपनी से तरफ से आते हैं। सो हम यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ में आए थे, तो हमारा कैंप बिल्कुल अलग लगा है, ठीक है। लेकिन हमारे कैंप के आसपास भी कई सारे कैंप्स हैं, सो वो आपको दिखाएंगे,
और फिर आपको दिखाएंगे कहाँ हमने कल ब्रेकफास्ट किया था और उस कुत्ते से ही मिलेंगे। तो चलते हैं आगे। तो गाइस अभी ऊपर आ चुके हैं हम और बर्फ पे चल रहे हैं, यहाँ चलने लायक बर्फ है एटलीस्ट। और पीछे देख सकते हो सारे टेंट्स हैं, येलो ग्रीन येलो, ठीक है। और ये सब जो भी आते हैं ना पैकेज से लेके, लाइक 6,000, 8,000, 9,000 पर पर्सन, वो लोग इस टेंट्स में रुकाते हैं एंड इनके टेंट लगे रहते हैं यहाँ पे परमानेंट। तो लोग आते हैं यहाँ पे अपने स्लीपिंग बैग मैट्रेस के साथ और अपने करते हैं। ये देखिए ये वाला टेंट हमारे टेंट से बहुत बड़ा है, लाइक इसमें मेरे हिसाब से 7-8 लोग आ सकते हैं। सो काफ़ी बढ़िया बढ़िया टेंट भी लगा रखे हैं। इतना बड़ा टेंट मतलब हमारे लिए तो जो था कि जितना वो कम वजन हो उतना बढ़िया, तो 4 लोगों के हिसाब से हमारा टेंट भी सही था और हो गए। और ये देखिए पीछे टेंट्स ही टेंट्स हैं और यहाँ पे कुछ खाने की शॉप्स हैं, जैसे कि एक वो हो गई और एक ये हो गई, हमने यहीं से खाया था अपना बनौरा। और इधर बोन फायर का भी इंतज़ाम है अपना, सो लाइक और जो कुत्ता होता है वो भी यहीं पर होता है। और इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो इधर स्नो है और नीचे की तरफ लाइक दिस वे, यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए थे जुड़ा का तालाब जहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पे कुछ लोगों की कैंपिंग यहाँ पे भी होती है। सो आई थिंक स्पेस की कमी के साथ, और जैसे कि मैंने बताया आपको इधर हमने अपना ऑमलेट खाया था और वो अभी कुत्ता मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई थिंक अभी वो खुला हुआ होगा यानी घूम रहा होगा, तो अभी तो उससे नहीं मिल पा रहे। लेट्स सी थोड़े टाइम बाद फिर से कहीं आसपास आके हमें मिल जाए, फिर उससे मिलेंगे। सो चलते हैं अंदर और देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जरा, लाइक काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब खाली है, कैंप्स नहीं है, सब लोग बैठे हुए हैं कैंप्स में। तो ये देखिए इस कैंप्स में भी हैं और आके लोग खड़े हुए हैं, अपना चलने की तैयारी में है सबके सब, क्योंकि बेस कैंप के लिए निकलना है। सो जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है किसी के लिए भी, हम भी यही कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हो ये पूरा सारे कैंप्स लगे हुए हैं, ये सारे एक ही कंपनी के हैं। और ये है हिमालय हाइकर्स, क्या है हाइकर्स परिवार या हिमालय हाइकर्स फैमिली, सो उसका यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड भी लगा, बैनर भी लगा और पीछे टेंट लगे हुए हैं। सो ये चीज़ है। सो काफ़ी सारे कैंप्स यहाँ पे हैं और लोग भी हैं, सब लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे होंगे। आई थिंक रात को तो सब नहीं एंजॉय किया होगा, हम लोग थोड़े जल्दी सो गए थे, पर हाँ हमने भी बोन फायर करी तो उसका भी खूब मज़ा आया था। और मज़ा आ रहा है लिटरली, ऐसा नहीं है अभी तक जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं जहाँ पे भी गए हूँ मैं, इधर जाने का अलग ही मज़ा हो रखा है। बस हाँ अभी ट्रैकिंग जब होगी ना तो हालत ख़राब होगी, और उल्टा से ऊपर से मेरे जो घुटना है ना उसमें मुड़ गया है कि पता नहीं क्या हुआ है, या रात को उतनी जगह नहीं मिल पाई, तो इस वजह से अभी एक मेरे लेफ्ट नी में थोड़ा सा पेन हो रहा है। सो थोड़ा सा उसका डाउट है उसके साथ में चल पाएंगे हम कि नहीं, पर करना तो है क्योंकि लाइक मेरे को जितने भी लोग मिले नीचे बीच में जो भी आ रहे थे सबमिट करके, सबने कहा कि भाई सबमिट तो बनता है करना, पूरा करके आना, वरना यू विल मिस और रिग्रेट आल्सो। सो और मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इतना लोग पैसा खर्च करके आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ तक आ गए हैं, हमने हमारा भी हुआ है तो करके ही जाएं पूरा, पर वही है 7 वालों का जिनके साथ आया हूँ उन लोगों की कंपनी मिली तो बहुत ही बढ़िया से कर लेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता, करके तो जाएंगे। आई थिंक बेस कैंप तक तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, उसका आएगा फिर आगे देखेंगे। लाइक जैसे कल मैं कह रहा था कि जुड़ा के तालाब तक तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सो देखते हैं आगे का क्या रहता है। चलो चलते आगे।